जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। जल्दी से अपनी वीडियो को शेयर कर दें सारे जने, जल्दी से क्लास को जल्दी से शेयर करें। पहले की तरह बंदे अगर अपने जितने जुड़ते हैं क्लास उतनी ही जल्दी चलेगी। बहुत बढ़िया। जय हिंद भी, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय चलो शुरू करते हैं फिर क्लास को। पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री के, लगभग 15-20 मिनट अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद अपने मेंसुरेशन 2D और 3D की ओर चलेंगे, मेंसुरेशन की ओर चलेंगे। उसके बाद पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो जाए। जय हिंद भी, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। हिंद शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की तीन साइडें आपको दे रखी है। 4 सेंटीमीटर आपको ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है, आपको तीनों साइड दे रखी है। 4 सेंटीमीटर आपको ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है। दूसरी साइड आपको दे रखी है ट्रायंगल की 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपको ट्रायंगल की दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड आपको ट्रायंगल की दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज के ऊपर इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं कि वो तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं कि तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। तो मुझे जल्दी से बताएं उसका, जो भी आपके पास आपके क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल, व्हाट इज दी सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स। ये क्वेश्चन है कि जितने भी आपके पास सर्कल्स बनेंगे उन सर्कल्स की रेडियस का सम बताना है आपको क्या होगा। जितने भी सर्कल्स बनेंगे उन सर्कल की सभी रेडियस का सम बताएंगे क्या होगा। बंदे जितने पिछली क्लास में थे उतने बंदे पहुंचे नहीं है अभी, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो सारे जने। पहले अपने पास पिछली क्लास में 60 जने थे, फिलहाल मुझे 34 दिखा रहा है, 34 दिखा रहा है फिलहाल। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। तो यहां आंसर बताया जा रहा है, आदित्य की ओर से 9 आया है, प्रभात की ओर से 9 है, रमाश की ओर से भी आंसर आया है 9 आंसर बताया गया।
ठीक है, तो देखते हैं फिर। ऐसा क्वेश्चन हमारे सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर में भी आया था। इस टाइप का क्वेश्चन अपने सीडीएस के 2021 के सेकंड पेपर के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से आपको बोला गया था कि तीन सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, और वो जो तीन सर्कल हैं वो तीनों वर्टेक्स के ऊपर बनाए गए हैं। ये तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक बात है, और तीनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये सर्कल वर्टेक्स के ऊपर बनाए गए हैं, तीनों के वर्टेक्स के ऊपर। एक बार इसका डायग्राम थोड़ा सा सही किया जाए, क्योंकि दो सर्कल जब टच करेंगे वो हमेशा साइड के ऊपर ही टच करेंगे। जब कभी भी आप दो सर्कल्स को टच करवाओगे तो वो सर्कल्स जो होंगे ना हमेशा आपके पास साइड्स के ऊपर ही टच करेंगे। इस तरीके से इधर यहां पर टच करेगा, यहां पर टच करेगा, आपका इस तरीके से सर्कल बनेगा, या तीन सर्कल बनेंगे। तीनों सर्कल हमेशा एक दूसरे को साइड्स के ऊपर ही टच करेंगे। तो अगर इसकी रेडियस को अगर आप R1 बोल रहे हैं, R2 बोल रहे हैं, अगर ये रेडियस R1 है तो ये भी R1 होगी, ये R2 है तो ये भी R2 होएगी, ये रेडियस R3 है तो ये भी रेडियस R3 होएगी। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। उसके बाद आपको R2 प्लस R3 जो कि BC है उसकी वैल्यू 6 दे रखी है। उसके बाद R3 प्लस R1 जो कि CA है उसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, और जब आप इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। और हमारे से यही पूछा गया था, व्हाट इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की सभी रेडियस का सम क्या होगा। तो सभी ने आंसर इसका 9 बताया था, बिल्कुल ठीक बात है, किसी का भी कोई किसी का गलत नहीं है, सभी का आंसर ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई आपके पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, आपके पास कोई इस तरीके से क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों डायमीटर के ऊपर, तीनों साइडों के ऊपर सेमी सर्कल बनाए गए हैं, सेमी सर्कल बनाए गए हैं, सेमी सर्कल आपके पास इस तरीके से बनाए गए। ये साइड आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इन दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा भी होगा। तो मुझे बताएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया कैसे निकलेगा, बंदा पूछ रहा है उसका एरिया कैसे निकलेगा। उसके अंदर भाई प्रभात सेक्टर के एरिया का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया कैसे होता है वो अपने करेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो अपने करेंगे, ठीक है। चलो आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है क्या होगा, जल्दी से बताएंगे शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, जल्दी से जल्दी। अंकित की ओर से आंसर 24, ठीक है, 24 आंसर बताया गया है। तो इस शेडेड एरिया का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया इतना ही होता है जितना आपके पास इस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जितना एरिया होता है वही एरिया किसका होता है, शेडेड पोर्शन का एरिया होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और शेडेड पोर्शन का एरिया आपस में बराबर होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया आप जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट होता है, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नहीं 24 आ जाएगा, सॉरी 48 का आधा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर बोल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा।
तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों को डायमीटर मानकर जो सेमी सर्कल बनाए जाएंगे उनसे बाउंडेड ये एरिया पूछा जाए तो आप बोलोगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन लिया जाए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी सर्कल की बात करूं, उसका ये डायमीटर है, उसका ये सर्कल का डायमीटर, इस डायमीटर के तीन पोर्शन कर दिए, तीन पोर्शन, यहां से सेमी सर्कल बना दिया, यहां पर भी सेमी सर्कल बना दिया। ये वाला मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया आपने बताना है क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। अगर आपके पास पूरे सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया, तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ क्या होगा। शेडेड पोर्शन ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है क्या होगा, जवाब देंगे जल्दी जल्दी। तो अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। हिमांशु की ओर से आया है 16 पाई, 16 पाई आया है हिमांशु की, गलत है, जो कि फिलहाल आंसर गलत बताया जाए। सेमी सर्कल लेके इक्वल करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सेमी सर्कल्स लेकर आप इसको करेंगे, सेमी सर्कल्स लेकर बताएंगे क्या हो। तो इंतजार कर रहा हूं, फिलहाल आंसर नहीं आया। चलो तो मैं आपको 6 पाई बताया जा रहा है, 33 पाई/2 बताया जा रहा है। वो उस्ताद क्या कर रहे यार, क्लास के अंदर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करवाया था निकालने के बाद, वो क्या आपको ये बात याद है, अभी आपको ये बात याद आ जाएगी जो मैंने आपको बताई थी, देखना अभी आपको याद आएगी। बहुत बढ़िया, भूपेंद्र का आंसर सही आया है, भूपेंद्र का आंसर ठीक आया। ये आपकी टेनिस वाली जो बॉल होती है उसकी तरह देखकर आपको ये डायग्राम याद आया होगा, क्या आपको अब ये बात याद आई क्या कि सर इस एरिया का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तीनों एरिया आपस में बराबर होते हैं, क्या आपको ये वाली बात याद आई। वो सीडीएस के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2-3 बार, ये तीनों पोर्शन का जो एरिया होता है वो आपस में बराबर होता है, a1 = a2 = a3, तो पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया कितना हो गया 36 पाई, तो तीनों पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा 12 पाई 12 पाई और 12 पाई। ठीक बात है, याद रख लेंगे भाई सारे बंदे ये वाला किस्सा, ये नोट्स के अंदर करवाई हुई बात है यार, ये नोट्स के अंदर करवाई हुई बात है, तीनों का एरिया आपस में इक्वल था तो
पूरा एरिया अगर 36 पाई है तो तीनों 12 पाई 12 पाई 12 पाई हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए। जितनी भी बातें आपको मैं बोल रहा हूं ना कि करवाई हुई है, ये रिजल्ट याद करवाया था, वो सारे रिजल्ट आपको क्लास के अंदर प्रूफ कराए थे, सारे रिजल्ट आपको क्लास के अंदर प्रूफ करवाए हुए हैं। मैं आपको कोई भी रटने की बात नहीं बोल रहा कि ये रिजल्ट का रट्टा मार लो, हर एक रिजल्ट का आपको कारण बताया गया है। तो भी इसकी रेडियस आपसे पूछी गई है क्या होगी, इसकी रेडियस आपसे पूछी गई है क्या होगी। अगर पूरे का डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो ऊपर जो छोटा सर्कल बना है उसकी मुझे रेडियस बताओ क्या होगी। भवेश कह रहा है सर पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताना, पता नहीं लग रहा कहां गलती हो रही है। तो बंदा कह रहा है कैलकुलेट करो, तो ये लो भी 1/π 1/2π, इसकी रेडियस हो जाएगी 1 1/2 का स्क्वायर प्लस बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी 1/2π, पूरा 6 है तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2π, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा इसकी रेडियस हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर। क्या मैंने ठीक लिखा है, एक सेकंड, ये 1 1 आएगा यहां पर, 1 का स्क्वायर यहां, 3 का स्क्वायर यहां पर, 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ठीक है। 3π आएगा सर, 66/7 ठीक था, ठीक है। हाफ इंटू में हाफ इंटू हाफ क्यों किया, पूरे सर्कल का पाई आर स्केयर, पूरे का डायमीटर 6 था तो इसका डायमीटर 2 हो जाएगा, 2 का ये 1 हो जाएगा, पाई 1 का स्केयर आ गया प्लस, ठीक है ये हो जाएगा पूरा हो जाएगा 1/2, इसकी रेडियस 3 है, 3 का स्केयर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद 1/2 और ये आपके पास माइनस हो जाएगा 2 का स्केयर ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। और एक बात और, थोड़ी सी हमने गड़बड़ क्या कर दी, ये 12π आंसर नहीं है अपना, 12π आंसर नहीं है, AB अपना डायमीटर है यार, AB अपना डायमीटर है, और AB अगर डायमीटर है तो रेडियस मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो सर्कल का एरिया 3 का स्केयर आएगा, सर्कल का एरिया 6 का स्केयर नहीं होगा क्या यार, तुम चैट बॉक्स में बोलते ही नहीं हो, 9π आएगा, ये 6 सेंटीमीटर AB डायमीटर था, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर 9π, उसको 3 पार्ट में बांट दो, 3π 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 आएगा एरिया, ना कि 12π 12π 12π, ठीक बात है, 3π आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चैट बॉक्स के अंदर कई बंदों ने बोला भी था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। इसका जो एरिया 3π 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 आएगा। अब यहां पर जो ऊपर लिखा है आप उसको भी सोल्व कर लेना, ठीक है, इस पूरे को सोल्व कर लेना, आपको 3π ही मिलेगा। ये हो गया 9/2 मतलब 4.5, 4.5 के अंदर ये हाफ ऐड कर दो, 5 हो गया ठीक है, 5 के अंदर ये 2 को माइनस कर दो, 3π आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका एरिया जो आएगा 3π आएगा, ठीक है, चलो 3π 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 तीनों एरिया बराबर होंगे। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर था, अगर इस सर्कल का पूरा डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझे ऊपर वाले सर्कल की रेडियस बताओ क्या है, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखा है, करवाया था आपको, और ये रिजल्ट प्रूव कैसे हुआ था उसका भी कारण बताया गया था, किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इस तरीके का मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बनाकर ये बात प्रूफ करवाई थी। तो अगर इस पूरे सेमी सर्कल की डायमीटर 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी रेडियस आर आपके पास क्या हो जाएगी, डायमीटर बाय 6 हो जाएगी, ठीक बात है, ठीक बात है, डायमीटर का बाय 6 कर दो, ये इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, तो इस सर्कल की रेडियस आपके पास कितनी होगी, 12/6 मतलब 2 सेंटीमीटर। ये भी आपने रिजल्ट डायरेक्ट याद करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब ये रिजल्ट कैसे आया था ये भी आपको क्लास में करवाया गया था, कैसे आया था ये भी क्लास में, ठीक बात। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
चार सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चार सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन चारों सर्कल के बीच में एक सर्कल बनाया गया, उसकी रेडियस बताओ जल्दी से क्या होगी। इन चारों सर्कल के बीच में एक सर्कल बनाया गया, जल्दी से उसकी रेडियस बताओ क्या होगी। अगर बड़े बड़े सर्कल की रेडियस को, बड़े बड़े सर्कल की रेडियस को मैं वन ले लेता हूं, बड़े बड़े सर्कल की सभी सर्कल्स की रेडियस को मैं वन ले लेता हूं, तो ये छोटे रेड वाले सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा जल्दी बताएंगे। बड़े बड़े सर्कल की रेडियस को अगर मैं वन ले लेता हूं तो मुझे बताएंगे छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। छोटे वाले सर्कल की, तो मनप्रीत सिंह रंधावा का आंसर आया है √2 - 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, √2 - 1 बंदे ने आंसर दिया है। मुझे इस आंसर में दम लग रहा है। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बस। राइट एंगल ट्रायंगल, ये वन है, 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 इसकी रेडियस को आर बोल दो, ये आर है, ये आर है, ये वन है। ठीक बात है, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस बोलता है परपेंडिकुलर का स्केयर मतलब 2 का स्केयर प्लस बेस का स्केयर मतलब 2 का स्केयर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्केयर। हाइपोटेनस आपके पास कितना है, 1 + 1 = 2, 2 + 2 r। तो ये हो गया 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, ये हो गया 8, 2 का स्केयर कॉमन आ गया बाहर, ये बच गया, 4 से 8 को काट दिया 2 बार। तो 2 = r + 1 का होल स्केयर, तो r + 1 की वैल्यू आ गई √2, तो r की वैल्यू आ गई √2 - 1, r की वैल्यू आ गई √2 - 1। बिल्कुल ठीक बात है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास r की वैल्यू आई है। भवेश ने बोला है सर बाय में 2 भी आएगा। नहीं भाई, बाय में 2 नहीं आएगा, सिर्फ √2 - 1 ही आएगा, बाय में 2 की बात कहीं नहीं पड़ी। ठीक बात है, फिर इसी इसी के अंदर ही अगला क्वेश्चन, मैं मेंसुरेशन की ओर चला जाता हूं। ज्योमेट्री की बातें बहुत हो गई है, मेंसुरेशन की बातें कर लेते हैं। जल्दी से बताओ ये इसके बाहर वायरिंग कर रहा हूं उसका एरिया, इसकी लेंथ कितनी होगी। इस 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल को बाहर से इस तरीके से मैंने इसकी वायरिंग कर दी, और मुझे बताओ ये जो वायर बनी है, जो ये अपने रस्सी से इनको बांधा है, तो उस रस्सी की लेंथ क्या होगी। करेंगे जल्दी से, वायर की लेंथ क्या होगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अर्पित का कहना है 2 + 2 r कैसे आया, 2 + 2 r, ये पूरी लेंथ को यहां से यहां तक ऐड करके देखो, यहां से यहां तक ये होगी सर 1, ये होगी r, ये होगी r, ये होगी 1, 1 + r + r + 1, इनको ऐड करो 2 + 2 r, पूरा जो हाइपोटेनस है वो 2 + 2 r आएगा। तो शुभम चौहान का 2 आया आंसर। यार बिना पाई के आंसर कैसे बता रहे हो राजपूत विकास, बिना पाई के आंसर बताए बताया नहीं जाएगा, पाई की फॉर्म में आएगा आंसर। ये 1 है, ये 1 है, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको नीचे मिला दो, इसको नीचे मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको ऊपर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो। ठीक है, ये 1 है, 1 1 1 मिला दिया भाई, ये 1 थी, ये 1 थी, तो ये लेंथ 2 होगी, 2 होगी, 2 होगी, 2 होगी, ये लेंथ टोटल कितनी होगी, 8 होगी। उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी हुई,
तो सर ये इतने जो पोर्शन है ना, इतने ये जो पोर्शन है ये 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं, और इन चारों पीस को जब आपस में मिला देंगे तो क्या पूरा सर्कल बन जाएगा? और पूरा एक सर्कल बन जाएगा, उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। मतलब आपके पास टोटल जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 8 + 2 पाई बनेगी, 8 + 2 पाई बनेगी। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से यस कर दें अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो, जल्दी से यस करें। 8 + 2 पाई हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने चलते हैं सर्कल के सेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पेपर के अंदर ये सेक्टर के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, हमारे पेपर के अंदर ये बहुत बढ़िया काम में आते हैं। इस तरीके से ये सर्कल का सेक्टर है, मतलब पूरा एक सर्कल था ना, जो उसकी मैंने हल्की सी एक स्लाइस काट ली, थोड़ी सी पूरे सर्कल का छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ये सर्कल का बन गया सेक्टर। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और आपसे ये लेंथ पूछी जाए क्या होगी, इसको अपने बोलते हैं सर आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क लेंथ की वैल्यू आपके पास, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर रेडियस इंटू में एंगल। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। मतलब इस आर्क लेंथ को अगर मैं एल बोलता हूं ना, तो एल इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? एल इक्वल टू आर इंटू में थीटा होगा। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बस ये लेंथ की वैल्यू, आर्क लेंथ की वैल्यू आर इंटू थीटा कब लगानी है? जैसा जब ये थीटा एंगल किसके अंदर आए? रेडियन के अंदर आए, रेडियन के अंदर आए। ये बातें हमने तब करनी है। मनप्रीत कह रहा है ऐसा एक ट्रायंगल वाला भी था। हाँ, एक ट्रायंगल वाला भी था, बिल्कुल। उसके अंदर आंसर 6 + 2 पाई आया था मनप्रीत, बिल्कुल ठीक बात है। पिछला क्वेश्चन जो हमने स्क्वेयर में किया है उसका 8 + 2 पाई है, अगर ट्रायंगल होता तो उसका 6 + 2 पाई आना था। चलो, तो आर्क लेंथ आपके पास आ गया आर इंटू थीटा, पर ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब थीटा आपका किसके अंदर दिया हो? रेडियन में दिया हो, पाई की फॉर्म में दिया हो। अगर यही थीटा आपका डिग्री के अंदर दिया होता, तब इसी आर्क लेंथ का फॉर्मूला आर थीटा तो है ही, उसके साथ में पाई बाय 180 और जुड़ जाता, क्योंकि आपको पता है पाई रेडियन और 180 डिग्री एक ही बात है। ठीक बात है, पाई रेडियन और 180 डिग्री एक ही बात है। तब यही फॉर्मूला अपने पास हो जाता पाई आर थीटा बाय 180। ये हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। ये कब लगेगा? जब थीटा अपना किसके अंदर हो? डिग्री के अंदर। चलो, आर्क लेंथ का आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक बात है। उसके बाद इस सेक्टर के एरिया की बात कर लेते हैं। सेक्टर का एरिया जानते ही होंगे आप, सेक्टर का एरिया क्या होगा? सर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर थीटा बाय 2। आर स्क्वेयर थीटा बाय में 2, ये आपके पास क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है आर स्क्वेयर थीटा बाय 2। ये एरिया का फॉर्मूला कब है? जब थीटा हमारा सर किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है। जब थीटा अपना रेडियन के अंदर, अगर यही थीटा डिग्री के अंदर आ जाता तो यही एरिया का फॉर्मूला मेरा बदल के पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री हो जाता है। जब मैं थीटा किसके अंदर पुट करूंगा? डिग्री के अंदर पुट करूंगा। तो सेक्टर का आपको ये एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला अगर थीटा रेडियन में है तब तो आपके पास आर स्केयर थीटा बाय 2 होगा, ठीक बात है, ओके है। और अगर थीटा आपका डिग्री के अंदर है तब आपके पास एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्केयर थीटा बाय 360। बढ़िया है, काफी लोगों ने आंसर बताया है इसका। अख्तर 2502, बहुत बढ़िया, पॉल ने भी बताया। चलो, आर्क की बातें तो होगी, लेकिन हमारे पास पेपर के अंदर जो इस बार सीडीएस 2021 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, सीडीएस 2021 के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया था। एक तो यार पहले अपने को सर्कल अच्छा सा बना लेना चाहिए,
एक सेकंड रुको, मैं थोड़ी सी कलाकारी करूं बैठ के। जब तक एक सर्कल नहीं बनता ना, तब तक बात बन नहीं। एक सर्कल बना लेते हैं अपने। ठीक है, अब बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब अपने एक लेते हैं सेक्टर, सर्कल का सेक्टर लेना है। सर्कल के सेक्टर की बात करते हैं अपने। ये कह रहा है सर, क्या अपन अकेडमी पर कैट की मैथ्स पढ़ाते हैं? नहीं भाई, कैट की नहीं, अन अकेडमी पर सीडीएस के डिपार्टमेंट पढ़ाता हूँ सर। ये लो, इस तरीके से मैंने ये एक सर्कल का सेक्टर ले लिया, सर्कल का ये बड़ा सेक्टर ले। एक बात है, ओके, सर्कल का ये बड़ा सेक्टर ले, और यहां पर एक ये बिल्कुल सर्कल स्ट्रेट लाइन खींच दी, और ये जो स्ट्रेट लाइन होएगी, क्या वो सर्कल की कोण का काम करेगी? ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल की कोण का काम, ये सर्कल की कोण होएगी। ये सेंटर ओ है, सेंटर आपके पास ओ है, इसको नाम दे दिया ए, ये हो गया बी। रेडियस आपके पास है आर, रेडियस आपके पास कितनी, आर आपके पास, ये एंगल है थीटा। तो क्या ये वाला एरिया निकाल लेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया होएगा सर पूरे सेक्टर का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया आप जानती हैं, जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें दे रखी हो, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह पर भी आर है, बी की जगह पर भी आर है, तो हाफ आर स्क्वेयर इनटू में आ जाएगा साइन थीटा। ये आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक बात है, छोटे वाले सेगमेंट का। तो अगर ये छोटे वाले सेगमेंट का एरिया हो गया, और अब आपसे पूछ ले कि बड़े वाले सेगमेंट का एरिया बताओ, बड़ा जो पोर्शन बच गया, इस पूरे बड़े पोर्शन का एरिया बताओ क्या है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये पूरा एरिया माइनस कर दो, ये पूरा एरिया माइनस कर देंगे तो बड़े वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक बात है, तब आपके पास बड़े वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से सेक्टर के एरिया की आपको कहानी समझ आ गई। ये हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू मेजर सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया। माइनस सेक्टर नहीं, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इस पूरे को बोला जाएगा यार। ये पूरा जो है ना, ये आपके पास मेजर सेक्टर, सेक्टर का काम करेगा, मेजर वाला, ये वाला, ये पूरा मेजर, मेजर सेगमेंट है। तो पूरे ट्रायंगल के, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले एरिया को माइनस कर दो, मेजर वाला एरिया आ जाओ। ठीक बात है, बंदा पूछ रहा है सेगमेंट पे बनता है क्वेश्चन। इस बार के पेपर में भाई मेरे पूरा पैराग्राफ आया था, दो क्वेश्चन आए थे, एक में माइनर का एरिया पूछा गया था, एक में मेजर का एरिया पूछा गया था, इसी बार के पेपर में क्वेश्चन आया था। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अब जब अपने सर्कल वगैरह सेक्टर वगैरह की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला चलता है। सारे बंदे इस कोसाइन फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे, कोस वाला फॉर्मूला सारे बंदे जरूर याद।
अगर सर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ए के सामने वाली साइड आपके पास है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड आपके पास है स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड आपके पास स्मॉल सी। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी है और बीच वाला आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए थीटा, कोई भी दो साइडों के बीच में, सर पहले की लाइव वीडियो यूट्यूब पे आएगी ना, कौन सी बात कर रहा है, कौन सी लाइव वीडियो की बात कर रहा है, अच्छा पिछली वाली जो पिछली क्लास होके हटी है, हाँ वो एक बार लाइव होने के कारण थोड़ा सा प्रोसेस में होती है, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप अपलोड हो जाएगी, ठीक है। पहले जो हमने 3:30 से 5:30 बजे तक क्लास ली थी उसकी वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी, फिलहाल अपने 6 बजे क्लास शुरू करिए और ये कंटिन्यू चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो वो साइन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जब दो एंगल के बीच में आपको थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला देख लो भी, उस एंगल का कोस थीटा किसके बराबर होगा, उस एंगल का कोस थीटा उस थीटा के जो पास वाली दोनों साइडें हैं ना, उन दोनों साइडों के स्क्वेयर का तो क्या करो, सम करो, उन दोनों साइडों के स्क्वेयर का सम करो, और थीटा के जो दूर वाली साइड है उसके स्क्वेयर को क्या करो, माइनस करो, थीटा के जो साइड दूर है उसके स्क्वेयर को माइनस करो, अपॉन में आ जाएगा 2 × में जिनको आपने प्लस किया था 2ac, ये आपके पास कोस थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। क्या सभी को ये कोस थीटा का फॉर्मूला समझ आ गया, कोस थीटा इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस में आ जाएगा बी स्केयर अपॉन में आ जाएगा 2ac, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का बी स्केयर अपॉन में आएगा 2ac, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब ये फॉर्मूला मैंने यहां क्यों करवाया, इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप मुझे ये ब्लू कलर वाली कोड की लेंथ बता देंगे, अगर आपको कोस थीटा वाला फॉर्मूला आपको पता लग गया तो मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये ब्लू कलर की मैंने जो कोड बनाई थी, क्या आप उस कोड की मुझे लेंथ बता सकते हैं, क्या होगी कोस थीटा वाले फॉर्मूले से। कोस थीटा वाले फॉर्मूले से ब्लू कलर वाली कोड की लेंथ बतानी है, क्या होगी बता देते हैं भाई, कैसे बताई जाएगी, तो सभी बंदे कह रहे हैं बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, तो मैं ये कंसेप्ट लगा देता हूं यहां पर कैसे लगाया जाएगा। देखो ये लेंथ मान लो मेरे पास एक्स है, ये फाइंड करनी है, तो मेरा कोस थीटा वाला फॉर्मूला बोलता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू पास वाली साइडों के स्क्वेयर का सम माइनस दूर वाली साइड का स्क्वेयर का स्क्वेयर, पास वाली साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो आर इंटू आर। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर 2r स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन रहा है। यहां से आपने देखा कि सर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, और यहां से पता लगा कि सर x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर इंटू में आ रहा है 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हो कि सर 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। अब यहां पर दोनों साइड स्क्वेयर रूट कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, और ये रिजल्ट मेरे को याद है, मैंने क्लास के अंदर नहीं बताया, ये रिजल्ट मैंने आपको क्लास के अंदर नहीं करवाया, तो आप इस बात को नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 होता है, 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक बात है। इस तरीके से आप x की वैल्यू का ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक बात है। जल्दी से यस कर देंगे अगर सभी लोगों को ये रिजल्ट याद रह गया, जितना थीटा दिया होगा ना उस थीटा का हाफ करके साइन लेना है, अगर थीटा आपको 120 डिग्री दिया है तो साइन 60 आएगा, अगर थीटा आपको 60 डिग्री दिया है तो साइन 30 आएगा, उस थीटा का हाफ करके फेयर साइन लेना है, बहुत बढ़िया। जल्दी से यस कर दें अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई हो, काम आएगी आप, जल्दी जल्दी से यस करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये सेक्टर के एरिया वगैरह के ऊपर क्वेश्चन अपने पेपर के अंदर अच्छे खासे चलते हैं, अपने पेपर के अंदर
ये क्वेश्चन चलते हैं सेक्टर के लिए। ठीक बात है, अब देखो भी फिर आपको ये नकली नकली क्वेश्चन तो पता ही होंगे क्या कि किसी सर्कल की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है किसी टायर की, उस टायर ने 10 चक्कर लगा दिए, 10 चक्कर लगा दिए तो कितनी डिस्टेंस चला। ऐसी नकली नकली बातें तो आपको पता ही है कि किसी टायर की रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है और उस टायर के आपने 10 चक्कर लगा दिए तो वो टायर कितनी लेंथ चला। तो एक चक्कर होएगा सर 2 पाई आर का, तो 10 चक्कर कितने के हो जाएंगे, इंटू 10 हो जाएगा, तो 2 × 22/7 इंटू में रेडियस आपके पास 7 होएगी इंटू में 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि अपने करें। सर चैट में ऊपर टॉप चैट की जगह पर लाइव चैट सिलेक्ट कर, ऊपर लाइव चैट ही लिखा हुआ भाई, अच्छा टॉप चैट लिखा है, ये कहां से सिलेक्ट होता है उस्ताद? बंदा कह रहा है सर टॉप चैट की जगह पर लाइव चैट कर, अच्छा फर्क पड़ता है इससे? चलो देख लेते हैं, ये चीज मैंने पहली बार सुनी है भाई, मुझे लाइव का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का, पर देखते हैं चीज काम आएगी अपने। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास बातें होगी। अब मेंसुरेशन को थोड़ा और डिटेल से लेते हैं कि सर रेक्टेंगल की लेंथ एल है ब्रेथ बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम सब लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी हम सब लोग जानते हैं वो आपके पास होता है 2 × में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा, ये आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर। फिर स्क्वेयर के बारे में भी जानते हैं, स्क्वेयर की अगर साइड ए है तो स्क्वेयर के एरिया का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, साइड का स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर का जो पेरीमीटर होता है 440 होगा। सर मैंने कितना लिखा है, मैंने भी तो 440 ही लिखा है यार, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं होगा, हाँ ये बात बंदे की सही है, मैं टोटल लेंथ निकाल रहा हूँ, लेंथ निकाल रहा हूँ कितनी डिस्टेंस गया, सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं होगा, ये बात ठीक है। तो स्क्वेयर का पेरीमीटर होगा 4 × में साइड। अगर इसका डायगोनल पूछा जाए, डायगोनल तो इसका डायगोनल के बारे में आप जानते हैं, रूट के अंदर सर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, इसका डायगोनल भी आप जानते ही हैं, इसका डायगोनल आपके पास होता है √2 में साइड होता है, इसका डायगोनल √2 में साइड है। ठीक बात, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वेयर हो गया, उसके बाद ट्रेपीजियम के एरिया की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या था, ट्रेपीजियम का एरिया होता है सर जो दोनों आपको पैरेलल साइडें दे रखी है उनके सम की आपको जरूरत होती है, पैरेलल साइड का सम कर दो और उनके बीच की क्या कर दो, हाइट लगा दो, हाफ इंटू में ए प्लस बी इंटू में आ जाएगा एच, ये आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा। सारे बंदे जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद किसी अगर आप पैरलोग्राम की बात करें, लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है, अगर उनके बीच का एंगल दिया है तब तो भाई साहब उसका एरिया होएगा एल बी साइन थीटा, पैरलोग्राम का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर पैरलोग्राम के अंदर आपको लेंथ और ब्रेथ ना देके लेंथ और पैरलोग्राम की आपको हाइट दे दे, हाइट दे दे, तब उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू में हाइट हो जाएगा, आपको कोई साइन थीटा की जरूरत नहीं है, कोई थीटा की जरूरत नहीं है, कोई उसकी ब्रेथ की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तब तो पैरलोग्राम का एरिया है एल बी साइन थीटा, और अगर आपको पैरलोग्राम की लेंथ और हाइट दे रखी है तब आपके पास इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू में हाइट। तो आपको ये बात समझ आई होगी, एक बात है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आगे की ओर चला जाए। नेक्स्ट आपके पास है रोम्बस, भाई रोम्बस के ऊपर लिख लो,
मुझे पूरा पूरा पेपर में इस बार इसके ऊपर आने की संभावना लग रही है क्वेश्चन। रोम्बस के बारे में तो लिख लो कि रोम्बस के अंदर यहां पर 90 डिग्री एंगल बनते हैं। रोम्बस की ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि रोम्बस के अंदर सर डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, और रोम्बस का जो एरिया होता है ये आपके पास हाफ डी वन इंटू डी टू होता है। रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ इंटू में दोनों डायगोनल का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ये आपके पास रोम्बस का एरिया होता है। रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन ले भी लेते हैं। रोम्बस का एक आपको डायगोनल दे दिया, रोम्बस का एक डायगोनल आपको दे दिया, कितना दे दिया 48 सेंटीमीटर। रोम्बस का दूसरा डायगोनल आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर। मुझे जल्दी जल्दी रोम्बस का पेरीमीटर बता दो क्या हो। रोम्बस का एक डायगोनल 48 है, रोम्बस का दूसरा डायगोनल 14 है। अभिषेक कह रहा है सर जब एक हाइट दी और दूसरी हाइट निकालनी हो वो बता दो। इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूं अभिषेक, एरिया को बराबर करते हैं, ठीक है। एरिया को बराबर करने का कंसेप्ट लगता है उसमें। इस क्वेश्चन के बाद में बता देता हूं, जल्दी से क्वेश्चन को करो। बहुत बढ़िया आंसर बताया गया है काफी लोगों की ओर से। पोल का आंसर आया था सबसे पहले 100, तरुण का 100, मनप्रीत 100, सुयश का भी आया था 100, रघुवेंद्र का भी 100 था, रोमांश का भी 100 था, नवेंदु का, उसके बाद कई रेंजर, भवेश का, जगन्नाथ का, पेंड के, बलराम का। तो बहुत बढ़िया 100 आंसर बताया गया। अगर पूरी लेंथ हमारे पास 48 है तो ये 24 हो जाएगी, ये भी 24 हो जाएगी। पूरी लेंथ अगर ये आपके पास 14 है तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है कि ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 हो जाएगी। और रोम्बस क्या बोलता है, ट्रेपीजियम क्या बोलता है अपने पास, ये रोम्बस क्या बोलता है कि ये 25, तो ये भी 25, तो ये भी 25, ये भी 25, क्योंकि रोम्बस के अंदर सारी साइडें बराबर होती है। तो पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अंकित का ठीक था, शुभम चौहान, सुमेश का, रुद्र प्रताप, अभिषेक चंदेल और निर्मल यादव, दीपू सिंह परमार, अंकित नेहरा, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। चलो अब रोम्बस किसके अंदर, 2D मेंसुरेशन के अंदर। बस ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले का कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, और अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है तो मैं एक क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, किसी सर्कल के अंदर कोई एक सर्कल लिया गया। TDS के पेपर का आया वो क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन काफी पसंद आया था। किसी सर्कल के अंदर इस तरीके से, हाँ इसको करने से पहले अभिषेक ने जो बात पूछी थी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं भाई। ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है H1, ये लेंथ है और ये इसकी पैरलोग्राम की हाइट है H1, ठीक है। ये इसकी ब्रेड्थ है और आपसे ये दूसरे वाली हाइट पूछी गई है, ये H2 पूछी गई है। मतलब ये हो गया कि दो जो बड़े वाली पैरेलल साइड्स है ना, जो दो बड़े वाली पैरेलल साइड्स जो है उनके बीच की आपको हाइट गिवन है, जो दो छोटे वाली साइड्स है उनके बीच की आपको हाइट H2 बतानी है। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और वो हाइट H1 पता है, H2 बतानी है। तो यहां पर H2 की वैल्यू कैसे बताएं, L और H1 को बेस, L को बेस मानकर, H1 को हाइट मानकर मैं इस पैरलोग्राम का एरिया निकाल लूंगा, और इस पैरलोग्राम का एरिया आएगा लेंथ इंटू में हाइट, L इंटू में H1। और अगर इस बेस को लेकर अगर मैं एरिया निकालूं
ये लेंथ उसको परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बी इंटू में एच टू। ये लो भी, इस रिलेशन से आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको एच वन पता है और एच टू निकालना है, कि एल इंटू में एच वन इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बी इंटू में एच टू हो जाएगा। बी इंटू में एच टू, एल पता होगा, एच वन पता होगा, बी पता होगा, एच टू निकाल लेना। मैं दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि किसी सर्कल के अंदर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया गया, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया गया था, और ये लेंथ आपको 6√3 दे रखी है और ये लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ कौन सा। शेडेड पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया, जल्दी जल्दी से मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया बता दो क्या हो। करो भी ट्राई, एक 6√3 है, दूसरी आपके पास 6 है, शेडेड पोर्शन का एरिया बताएंगे क्या होगा। सारे जने जल्दी से सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन के ऊपर क्लास ज्यादा जने लगा रहे हैं और लाइक बहुत कम है। सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया था, शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया क्या होगा। तो मनप्रीत की ओर से आंसर आया है 36π − 36√3, ये आंसर बताया गया। चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डायमीटर बना लिया, सर्कल का क्या बना लिया, डायमीटर बना लिया। क्या सर्कल का डायमीटर ही रेक्टेंगल का डायगोनल होगा? बिल्कुल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वही सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। चलो ये बात आप इधर से आपने ये भी डायगोनल बना लिया, ये भी डायगोनल बना लिया, दो डायगोनल आपने बना लिए। क्या पूरे सर्कल के इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो यही तो मुझे निकालना है, सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा। अब मुझे चाहिए इस सेक्टर का एरिया और ये पूरे सेक्टर का एरिया मुझे चाहिए, इस पूरे सेक्टर का एरिया, और इस पूरे सेक्टर का एरिया मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, जब तक मुझे ये वाला एंगल नहीं पता। इस पूरे सेक्टर का एरिया मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक ये वाला एंगल नहीं पता मुझे, एंगल मैं सर्कल का सेक्टर नहीं बता सकता। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे फिर कोई स्कीम लगानी पड़ेगी, वो कैसे बनेगी सुनो। अगर मैं इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल को देखता हूं, तो ये 6√3 है, ये 6 है, तो क्या टेन थीटा से मैं ये एंगल निकाल लूंगा, टेन थीटा से। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री।
जब ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो क्या ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120, ठीक बात है। अब ये अगर 6√3 है, ये 6 है, तो क्या पाइथागोरस से ये पूरी 12 हो जाएगी? ये 6√3 है, ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 36 × 3, पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा रूट के अंदर, 108 + 36 √144, मतलब 12। अगर ये डायगोनल 12 है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अब मुझे ये एरिया निकालना है। अब मेरे पास जब सब कुछ ही आ गया, अब तो मैं निकाल ही सकता हूं, पूरे सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वेयर इंटू में थीटा अपॉन में 360, ये तो हो गया पूरे सेक्टर का एरिया, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू में आर स्क्वेयर इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 120 डिग्री आएगा। इसको सोल्व कर लें, ये 3 बार गया, 36 में 3 का डिवाइड किया, 36 के अंदर 3 का डिवाइड किया 12 पाई, 36 में 2 का डिवाइड किया, 36 के अंदर 2 का 18 आया। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बनेगा 36/4, मतलब 9 × √3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 12π − 9√3। अब देखूं भाई कितने लोग आए हैं जिसका आंसर मेरे जैसा ही आया है, 12π − 9√3, 12π − 9√3। रघुवेंद्र ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था, दीपू का आंसर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12π − 9√3। जल्दी से यस कर दें, अगर सभी को ये कंसेप्ट समझ आ गया हो, ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, जल्दी से सारे बंदे यस कर दें, ठीक है, चेक कर लो एक बार, कोई मिस्टेक ना हो कहीं पर, हमने कोई कैलकुलेशन के अंदर गलती ना कर दी हो। सर एक्स बराबर 2 r sin θ/2, वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए था ना फॉर्मूला, x = 2 r sin θ/2 फॉर्मूला जो था वो ये वाली साइड निकालने के लिए था। अगर मैं साइड निकाल भी लेता तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भाई मेरे को हीरो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाता, तब मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल की जब तीनों साइडों पता होती फिर मैं हीरो वाले फॉर्मूले से निकालता, उससे लंबा पड़ जाता, ये ज्यादा ठीक है। सर वो नीचे वाला भी ऐड कर दिया था मैंने, अच्छा ठीक बात है, ये क्वेश्चन अपने को हो गया, समझ आ गया। चलो कोई और क्वेश्चन लेता हूं, कोई एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन लिया, बाकी 2D मेंसुरेशन के तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास नकली ही होंगे, इनके अंदर कोई खास बात नहीं है 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चन के। बढ़िया बढ़िया, अब चलते हैं अपने 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, और आपको पता है 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते हैं, अपने पेपर के अंदर टाइम खाते हैं, और पेपर के अंदर कुछ मर्जी हो जाए मेंसुरेशन के क्वेश्चनों के ऊपर 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना, इस बात को जरूर नोट कर लें। चलो भाई तो 3D मेंसुरेशन शुरू करने से पहले, 3D मेंसुरेशन की अगर अपने बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सारे के सारे फॉर्मूले पता हूं, तो मैं शुरू करता हूं किसके साथ, क्यूबॉइड के साथ, क्यूबॉइड के साथ। क्यूबॉइड की शेप कुछ इस तरीके की होती है, क्यूबॉइड की शेप कुछ इस तरीके की होगी, कोई ना कोई क्यूबॉइड के पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। क्यूबॉइड का आप टोटल सरफेस एरिया जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया ये होता है सर, ये होता है लेंथ इंटू में 2 × LB + BH + HL, ये बात आपको पता है 2 × LB + BH + HL। सर ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम कितने टाइम देना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन लास्ट में करने वाले ही हैं सर, वेल और चबूतरे वाला क्वेश्चन जरूर बताना, वो इसी के अंदर आएगा चबूतरा भाई, 3D के अंदर सर, तो आपके लिए होते हैं नकली, हमारे लिए तो क्वेश्चन ही है, ये बंदा जल्दी हौसले छोड़ जाता, क्वेश्चन नकली है, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, क्या किया क्वेश्चनों के अंदर यार, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। चलो तो कई मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे,
वो 30 सेकंड में हो जाएंगे, 40 सेकंड तक हो जाएंगे, कई क्वेश्चन होंगे जो 2 मिनट ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं एवरेज आपने 1.5 मिनट का टाइम देना है मेंसुरेशन के ऊपर, ठीक है, एवरेज आपने 1.5 मिनट का। मतलब अगर मेंसुरेशन के पेपर के अंदर मान लो 12 क्वेश्चन आते हैं तो आप मेंसुरेशन को 18 मिनट दे सकते हो, अगर मेंसुरेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप मेंसुरेशन को आधा घंटा दे सकते हो। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मेंसुरेशन का हर एक क्वेश्चन एवरेज 1.5 मिनट ले जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 × LB + BH + HL, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ये होता है सर चारों दीवारों का एरिया, फ्रंट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, और इस तरीके से लेफ्ट वाली दीवार भी लेके आते हैं अपने बीच में, लेफ्ट वाली दीवार भी तो लेके आते हैं बीच, ये वाली दीवार लेफ्ट वाली, और पीछे वाली दीवार को भी ले आते हैं बीच में, फ्रंट वाली दीवार होगी थी और ये अपनी बैक साइड वाली दीवार भी होगी। चारों दीवारों का एरिया मतलब छत को कंसीडर नहीं करना और आपने फ्लोर को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, चारों दीवारों का एरिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 2 × 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, ये चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा 2 × में। सर लगता है इस बार वॉच ले जा लेके जाना पड़ेगा। हाँ भाई, घड़ी की तो जरूरत होती है यार, डिजिटल वॉच नहीं ले सकते, दूसरे वाले तो लेके जा सकते हैं। ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 × L + B × H, और इसके बाद इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम आपके पास होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। अगर आपको बोला जाए कि क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी रोड रखनी है, सबसे लंबी रोड रखनी है क्यूबॉइड के अंदर इस तरीके से, मतलब क्यूबॉइड के डायगोनल की अपने अगर बात करें तो ये डायगोनल होता है सर रूट के अंदर L² + B² + H² डायगोनल आपके पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L² + B² + H² ये क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है। क्या सभी को ये क्यूबॉइड के कंसेप्ट क्लियर हो गए? अगर क्यूबॉइड की सारी बातें क्लियर है तो जल्दी से यस करें भाई, क्यूबॉइड की अगर सारी बातें क्लियर हो जल्दी से यस कर दें, मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है। चैट बॉक्स को थोड़ा सा चलते रहने दें, चैट बॉक्स को रुकने ना दें, ठीक है, लगातार चलता रहने देंगे। उसके बाद अपने चलते हैं क्यूब की ओर। क्यूब क्या होता है सर? जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, जिसकी सारी साइडें बराबर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड का स्क्वायर, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 4 × साइड का स्क्वायर, क्यूबॉइड का क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। उसके बाद क्यूब का डायगोनल क्या हो जाएगा? क्यूब का डायगोनल होता है सर √3 × साइड, ये क्यूब के डायगोनल का है √3 × साइड। क्यूब के बारे में आपको सारी बातें समझ आ, क्यूब की बातें हो। क्यूब के बाद नेक्स्ट मैं लेता हूं सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर कुछ इस तरीके का होगा सिलेंडर, इस तरीके का। सिलेंडर की रेडियस आपके पास आर है, सिलेंडर की हाइट आपके पास एच है। तो कल अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल तो एनडीए की क्लास है मेरी, नेक्स्ट आपकी मैराथन क्लास जो है परसों होगी, परसों हमारे पास क्या वार बनता है, शुक्रवार, ठीक है, फ्राइडे को आपकी क्लास रहेगी। लगभग 50% कंटेंट हमने आज किया है, आज अपने 50% की बात करी, और 50% की बात ही अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे, परसों की क्लास में करेंगे। तो सिलेंडर आर रेडियस है, एच उसकी हाइट है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है सर π r² h। सिलेंडर का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है वो आपके पास हो जाएगा 2 π r h। अगर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया बोले तो
वो भी आपके पास क्या रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा। अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बोले तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ऊपर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। सर प्रैक्टिस के लिए मोस्ट एमसीक्यू भी देना, प्रैक्टिस के लिए बुक है तो सही आपके पास यार, ठीक है। विकास राजपूत कह रहा है सर ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री हो तो गई उस्ताद, नंबर सिस्टम और अलजबरा परसों होगा, नंबर सिस्टम और अलजबरा का पार्ट जो है वो परसों होएगा, ज्योमेट्री हो चुकी है। आज 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमने ज्योमेट्री करी थी। कुलदीप क्या कह रहा है बता दो सर। चलो तो वॉल्यूम आपके पास पाई आर स्क्वायर एच है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, लेटरल सरफेस एरिया भी इसका 2 पाई आर एच है, और टोटल सरफेस एरिया इसके पास क्या होगा, 2 पाई आर इसका टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर के बाद मैं अगले बंदे की बात करता हूं, वो मेरे पास कौन है, कौन कौन क्या बोलता है, इस तरीके से कौन होगा, कौन होगा, ये कौन की हमारे पास रेडियस है, हाइट एच है, हाइट एच है। तो इस कोण का सबसे पहले तो वॉल्यूम पता किया जाए। कोण का वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई आर का स्केर एच, कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्केर एच। कोण का जो फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस सिर्फ और सिर्फ ये वाली है सर्कल पाई आर स्क्वायर, कोण का कर्व सरफेस एरिया ये होता है सर पाई आर एल, पाई आर एल, एल होती है ये तिरछी लेंथ, स्लैंट हाइट, एल आपके पास पाइथागोरस से आया करेगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आपके पास स्लैंट हाइट आया करेगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस एरिया, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोण का, ठीक बात है, ठीक बात है। अमित कह रहा है कि सर जी आज लग रहा है आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। अच्छा भाई सुबह 1.5 घंटा अपने फिजिक्स की क्लास हुई थी ना अकेडमी पर, आपको याद हो, ऑप्टिक्स ख़त्म किया था, उसके बाद लगभग 4 घंटे की ऑफलाइन क्लासें भी लेके आया हूँ, 4 घंटे ऑफलाइन क्लास लेने के बाद लगभग 4 घंटे अपने को यहाँ पर हो गए, कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए लगभग, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया कौन का टोटल सरफेस एरिया, हो गया कोन का टोटल सरफेस एरिया, कोन की बात होगी है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हमारे पास ये क्या हो गया, एंड ऑफ स्लाइड शो, स्लाइडें खत्म हो गई। चलो इसको साफ किया, अब हमारे पास आ गया कोन, आ गया स्फीयर, आ गया स्फीयर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक बात। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। स्फीयर के अंदर ये दो ही बातें, एरिया क्या होगा और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, एक बात। उसके बाद वो बात करता है हेमिस्फीयर की, आधे स्फीयर की बातें होएगी, हेमिस्फीयर की बातें होएगी। ये लो इस तरीके का हमारे पास हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का एरिया जो होगा वो आपके पास होगा 3πr², और वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास होगा आधा, मतलब 2πr³, ये आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया 3πr², वॉल्यूम 2πr²,
इस 3 पाई आर स्केयर जो एरिया है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये वाला जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये तो होता है 2 पाई आर स्केयर। जो ये फ्लैट सरफेस एरिया है, ये हमारे पास होता है पाई आर स्केयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्केयर हो जाएगा। ठीक बात है, सारे जने जल्दी से यस कर दो अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ आ गए हो। जल्दी से यस कर दो। हेमिस्फीयर की बातें हो, ठीक है। उसके बाद अपने किसकी बात करनी है, उसके बाद अपने बात किसकी करनी है, हमारे पेपर में बहुत आता है ये बंदा, कौन? फ्रस्टम। फ्रस्टम की बात करनी। फ्रस्टम क्या होता है? कभी अगर किसी इस तरीके से आपको कोई कोन को काट कर दे दे, कोन को इस तरीके से काट दे ऊपर से, तो जो शेप बनती है उसको बोला था फ्रस्टम। और अगर आपको याद हो, फ्रस्टम के केस में मैंने आपको कुछ रिजल्ट भी याद करवाए थे, और वो रिजल्ट आए कैसे थे वो भी बताया था। फ्रस्टम में अगर ऊपर वाली रेडियस आर है, नीचे वाली रेडियस कैपिटल आर है, और ये फ्रस्टम की हाइट अगर एच है, फ्रस्टम की हाइट अगर एच है, तो सबसे पहले तो फ्रस्टम की पूछी जाती है स्लैंट हाइट क्या होगी। स्लैंट हाइट क्या होगी? क्या सारे बंदे ये बता देंगे स्लैंट हाइट क्या होगी? सर पता कैसे लगना है कब कौन सा यूज करना है? पता कैसे लगना है कि कब कौन सा यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? ये बात तो यार उसमें बताया होगा ना विकास, ये बात तो क्वेश्चन के अंदर पता लगेगी। कि अगर मान लो इस तरीके से क्यूबॉइड के ऊपर, गौर से सुनना, एक मान लो मेरे पास क्यूब है ना, इस तरीके से भाई मेरे मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर बोला गया कि एक हेमिस्फीयर को टिका दो, एक हेमिस्फीयर को इस क्यूब के ऊपर रख दो। अब बताओ स्फीयर का कौन सा एरिया काम में आएगा, टोटल सरफेस एरिया काम में आएगा या फिर और कोई? अगर आपने क्यूबॉइड क्यूब के ऊपर स्फीयर को टिका दिया, हेमिस्फीयर को रख दिया, और आपको बोला गया पूरे के ऊपर पेंट करना है, तो जो हेमिस्फीयर का जो एरिया टच हो गया क्यूब के साथ, वहां पर तो कलर होएगा ही नहीं ना, तो कलर कहां पर करना पड़ेगा? पेंट। पेंट अपने पास होएगा सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ है ही हेमिस्फीयर, वो किसी के ऊपर टिका है ही नहीं, आपके पास सीधा हेमिस्फीयर दे रखा है, तब आप उसके सारी साइडों पर पेंट करोगे, तब आपके पास पेंट बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बात? कि जो साइड उसके ऊपर टच होगी है, जहां पर आपको लगता है पेंट नहीं कर सकते, तब वो एरिया अपने माइनस कर देंगे। चलो, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर रहा था स्लैंट हाइट की। फ्रस्टम के अंदर अपने स्लैंट हाइट की बात, ये क्या हो गया? वेरी गुड, वो तो वापिस ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास ये फ्रस्टम था, इस तरीके से ये फ्रस्टम था। इसकी आपको रेडियस दे रखी है, अलग अलग आपको इसकी रेडियस दे रखी थी, ये आर दी थी, ये आर दे रखी थी, और ये हाइट आपको दे रखी थी, एच दे रखी थी। सबसे पहले ये स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर फेंकेंगे, परपेंडिकुलर फेंकेंगे। तो मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर की हाइट तो वही रहेगी जो एच आपको ऑलरेडी गिवन है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली बेस क्या आएगा? क्या आएगा सर? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इससे आप इसकी स्लैंट हाइट एल निकाल सकते हो पाइथागोरस से, कि सर एल का स्केयर बराबर क्या होगा? एच का स्केयर प्लस आर माइनस आर का स्केयर, यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा। क्या सभी को ये पाइथागोरस का कंसेप्ट समझ आ गया? कि एल स्केयर इक्वल टू एच का स्केयर प्लस आर माइनस आर का स्केयर। यहां से एल इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्केयर प्लस आर माइनस आर का होल स्केयर। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप डायग्राम से ही कर लेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के अंदर जो जो दिया है उसकी जगह पर पुट करना, राइट एंगल लगाना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्केयर एच था, बट आर स्केयर की जगह क्या आएगा? आर स्केयर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्केयर इनटू में आ जाएगा एच।
ये आपके पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, फ्रस्टम के वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर प्लस आर एच प्लस आर स्केयर इंटू में एच। ठीक बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा, क्योंकि पूरे कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। 1/3 पाई तो सेम पड़ा है, एच सेम पड़ा है, बस जरूरत कहां पर पड़ी, आर स्केयर की जगह पर पड़ी। आर स्केयर की जगह अपने रख देंगे आर स्केयर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया की बात आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले एरिया ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का भी एरिया। उसके बाद एक कर्व सरफेस का एरिया, और कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एरिया अगर आपको याद हो पाई इंटू में मेरे ख्याल से आर प्लस आर इंटू में एच, पाई आर एल सॉरी, आर की जगह आपके पास आ जाएगा आर प्लस आर। इस तरीके से मैंने आपको नोट्स के अंदर कोई फॉर्मूला करवाया होगा। इस फॉर्मूले को सारे बंदे थोड़ा सा कन्फर्म कर लें, इसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको यहां पर फॉर्मूला जरूर करवा रहा हूं, लेकिन आपको याद है जब मैंने क्लास के अंदर ये आपको करवाया था तब उस टाइम मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं कभी भी इन क्वेश्चनों को फॉर्मूलों से नहीं करता। मेरा करने का तरीका क्या होता है कि मैं यहां पर सिमेट्री बनाकर पहले पूरा कोण बनाता हूं, पूरे कोण के वॉल्यूम में से ऊपर वाले के वॉल्यूम को माइनस करता हूं, नीचे वाले का वॉल्यूम आ जाता है। पूरे कोण के एरिया में से ऊपर वाले के कर्व सरफेस एरिया को माइनस करूंगा तो नीचे वाला एरिया आ जाता है। तो इसलिए आप इस के जो अपना जो एरिया है इसके फॉर्मूले को कन्फर्म कर लें, मैंने आपको नोट्स के अंदर जरूर लिखवाया होगा। ठीक बात है, चेक कर लो इसको, सारे बंदे इसको जल्दी से चेक कर लें कि क्या हमने ये टोटल सरफेस एरिया ठीक निकाला। जल्दी से मुझे सभी जने कंफर्म करके बताएं इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो बताएं। पाई आर स्केयर सही है, पाई आर स्केयर सही है, यहां पर चेक कर लें क्या पाई इंटू में आर प्लस आर माइनस इंटू एल लिखा है, क्या ये ठीक लिखा। ठीक है भाई, बंदे कह रहे हैं फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फॉर्मूला ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चला जाए फिर आपको क्या ये बात याद है, क्या बात, तो अगर कभी किसी कोण की हाइट को, कोण की हाइट को बीचों बीच से काट दें, बीचों बीच से काट दें, तो ऊपर वाले कोण का और बड़े वाले कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर कोण के, अगर कोण की हाइट को बीचों बीच से काट दें तो ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम और पूरा जो बड़ा कोण है उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या था, आपको ऐसी बातें बताई गई थी, क्या होगा सर, ये होगा 1:8, ये आपके पास क्या होगा 1:8 आएगा, आपको ये बात याद आई हो। उसके बाद इसी तरीके से यहां पर पूरे कोण को, पूरी हाइट के कोण को, पूरी हाइट के कोण को अगर इस तरीके से तीन पोर्शन के अंदर मिला दें, तीन पोर्शन के अंदर काट दूं, पूरी हाइट को तीन पोर्शन में काट दूं, तब उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा सर, इसका वॉल्यूम होगा 1, इसका होगा 8, इसके रेशियो क्या होगा 27 होगा। ठीक बात, ये बात आपको समझ आ गई होगी, 1:8 और 27, 1 का क्यूब 8 का क्यूब 27 का क्यूब। और उसके बाद आपको ये बात भी पता लगी होगी, इसका वॉल्यूम 1 है पूरे का 8 है, तो इनका रेशियो 1:7 हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाला 1 था पूरा 8 था, 1:7। उसके बाद ये आपके पास 1 है, ये 8 है और ये आपके पास 27 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 8 में से 1 गया 7, 27 में से 8 गया 19, ये तीनों के वॉल्यूम का रेशियो आपके पास आ जाएगा 1:7:19, इनका आएगा 1:17:7। ठीक बात है, ओके है, क्लियर है। तो अगर कभी भी आपको दे देना कि कोण को इस तरीके से काटा गया, वॉल्यूम 1:8 है उनका, दोनों के छोटे कोण के और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो 1:8 है, इसका मतलब उसने बीच में से काटा है। अगर आपको रेशियो 1:27 दे दे, 1:27 दे दे, इसका मतलब उसने ऊपर से 1/3 हाइट से काटा है, ऊपर से 1/3 हाइट से काटा है।
और इसी तरीके से अगर आपको वो कुछ इस तरीके से दे दे कि ऊपर वाले कोण के और बड़े कोण का वॉल्यूम 1/64 है और पूरी हाइट अगर आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो मुझे जल्दी से ये बता दो कि उसने उसको जमीन से कितनी हाइट पर काटा था, कितनी हाइट पर काटा था। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दो क्या होगा। ऊपर वाले छोटे कोण का और बड़े वाले कोण के वॉल्यूम का रेशियो 1:64 है, 1:64। तो मुझे जल्दी से बताओ कि उसने किस रेशियो में काटा होगा। कितनी हाइट पर काटा गया था, जल्दी से आंसर। तो 1 और 64 क्या बोलते हैं सर? ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। मतलब पूरी हाइट को उसने 1/4 की बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि छोटे वाले कोण की हाइट अगर 1 है ना, तो बड़े वाले कोण की हाइट कितनी है? 4 है। छोटे वाले कोण की हाइट अगर 1 है तो बड़े वाले कोण की हाइट 4 है। तो अगर आपको बड़े बड़े की हाइट 20 दे रखी है तो उसका 1/4 क्या हो जाएगा? 5। ये लेंथ क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पर मेरा क्वेश्चन क्या था कि जमीन से कितनी हाइट पर काटा, बेस से कितनी हाइट पर काटा। तो 20 में से 5 को कम कर दो, जमीन से 15 सेंटीमीटर हाइट पर उसको काटा गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये बातें हमने करी थी भाई, ठीक है, ऐसी बातें अपने करके आए हैं। तो ये सारी कहानी थी फ्रस्टम की। फ्रस्टम के बारे में अगर आपको सारी बातें क्लियर होगी तो मैं थोड़ा सा प्रिज्म की ओर चलता हूं, प्रिज्म की ओर चलता हूं। प्रिज्म कहता है कि इस तरीके से आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को पीछे की ओर इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है। ये लो, ये एक प्रिज्म बना लिया। ये क्या बना लिया गया है? एक प्रिज्म बना लिया। ये क्या कह रहे हैं अंकित नेहरा? कुछ कह रहे हैं, पहला पॉइंट, सर एग्जाम की टेंशन हो रही है, ठीक है, मैथ्स का आप रिविजन कैसे करें? करवा तो रहा हूँ यार रिवीजन उस्ताद, कैसी बातें कर रहा है, रिवीजन ही तो करा रहा हूँ मैं। सर इंग्लिश में 50-60 मार्क्स, जीएस में 30-40 मार्क्स बन रहे हैं, मैथ्स में सारे क्वेश्चन कितने करने हैं, प्लीज गाइड। अगर भाई इंग्लिश के अंदर 50 से 60 बन रहे हैं, मैथ्स के अंदर 30 से 40 बन रहे हैं, 50-60 के एवरेज में 55 ले लेता हूँ, 30 और 40 के एवरेज में 35 ले लेता हूँ। आईएमए की कट ऑफ आपको पता है इस बार 145 गई थी, और अगर आईएमए की कट ऑफ 145 गई है तो कल को ये 150 भी जा सकती है। तो अपने टारगेट पहले 150 का लेके चले, पर अगर कट ऑफ 150 जा रही है, 90 नंबर आपके इन दो सब्जेक्ट में बने हैं, तो आप देख लो कितने की जरूरत है आपको। मैथ के अंदर 60 नंबर लाने होंगे, इंग्लिश के अंदर आप 55 लेके आ रहे हो, और जीएस के अंदर 35 है, तो मैथ्स में तो 60 लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तो जितनी कट ऑफ गई है ना, 5 नंबर उससे ज़्यादा एक बार प्लस पॉइंट लेके चला, कट ऑफ उससे ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। प्रिज्म की बात कर रहे थे, अगर आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रिज्म की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सबसे पहले मुझे प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ क्या होगा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा, और आपको प्रिज्म का वॉल्यूम बताना है क्या। करो भी, इस क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नया नहीं है। वॉल्यूम का आपको तरीका बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू कर देना हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल सरफेस एरिया अपने को चाहिए।
मनप्रीत सिंह रंधावा कह रहा है सर थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ना है। वेरी गुड, तोड़ो तोड़ो यार, रिकॉर्ड किस लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए। अगर मेरा कोई चेला ही रिकॉर्ड तोड़ेगा तो मजा आएगा ना। तो अलग अलग आंसर बताए गए हैं, पोल की ओर से आंसर आया है, भवेश की ओर से आंसर आया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर इंटू में साइड का स्क्वायर, इंटू में कर दो हाइट। ये तो आ गया सर इसका वॉल्यूम। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिया, उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ, ये तो आ गया मेरे पास प्रिज्म का वॉल्यूम। उसके बाद अगर मुझे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा जो आपके दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, पहले तो उनका एरिया ट्वाइस कर दिया, प्लस ये जो तीन रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका एरिया। एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 10 × 5 50 हो गया, तो तीनों रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 50 50 50 150। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक बात है, तो ये बनेगा 25 25 × 5 125 125 by 2 62.5, तो 62.5 × में रूट थ्री। ये तो आपका आंसर है वॉल्यूम का। टोटल सरफेस एरिया का आंसर क्या है, 25 में 2 का डिवाइड किया जो कि है 12.5, तो 12.5 × में रूट थ्री प्लस आ गया 150। ये आपके पास हो जाएगा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, हो जाएगा प्रिज्म का टोटल सरफेस 12.5 × में रूट थ्री प्लस 150। ठीक है, लगभग ठीक बताया है कई लोगों ने, आंसर इसका ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात, पिरामिड को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिरामिड का क्वेश्चन पेपर में मुझे नहीं लगता आएगा, आ भी गया तो कोई बड़ी बात है नहीं। प्रिज्म में पिरामिड के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, लेकिन पिरामिड का क्वेश्चन पेपर में नहीं। तो क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्यूब की बातें करती है, सिलेंडर और कोन और स्फीयर, इन तीनों के ऊपर तो आपको पता है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत। अगर क्वेश्चन बहुत आते हैं तो हो जाए फिर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन रखा गया और उस सिलेंडर के नीचे इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बनाया गया, हेमिस्फीयर। सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा गया है और सिलेंडर के नीचे इस तरीके से हेमिस्फीयर बनाया गया। सिलेंडर की रेडियस आपको दे रखी है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक बात है, सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट ये भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कोन की हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। जल्दी से मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, इस जो भी आपके पास ये टॉय बना है, खिलौना बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो। तो लगा दो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड, कैलकुलेशन की जो भी स्पीड है जल्दी से करो। ट्रिग्नोमेट्री होगी सर अब, हाँ 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ते हैं। अभी योगेंद्र पॉल पूछ रहा है सर कैलकुलेशन करने के लिए कोई ट्रिक, सर को ऊपर कर लो, ठीक है, और सर को नीचे कर लो और पैरों को ऊपर कर लो, उससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। यार मेरी बात सुनो पॉल, आप रेगुलर स्टूडेंट हो यार क्लास के, कितने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने बार बार क्या बोला है, कैलकुलेशन की क्या ट्रिक्स होती है, जो ट्रिक्स आती है वो मैंने आपको बताई है टाइम टू टाइम, तो ऐसी बातें ना पूछे। कैलकुलेशन जो होता है माइंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोचा करो, क्वेश्चन को लिखने की बजाय उसको दिमाग के अंदर सोचा करो कि कितना होगा, कम से कम लिखने की कोशिश करो। चलो टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा, ये जो भी आपके पास खिलौना बड़ा है इसका। ओ यार ये फेर मिट गया,
जल्दी जल्दी से इसका टोटल सरफेस एरिया बताएं क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। रमाश की ओर से आंसर आया सर 1298। ठीक है, जल्दी करेंगे, इतना टाइम तो लगना चाहिए। इसका टोटल सर, इसकी ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगी। इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सर पाई आर एल, पाई आर एल। इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सर 2 पाई आर एच। इसका एरिया हो जाएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, पाई सारों में कॉमन आ गया, आर इंटू में एल, 7 इंटू 25 प्लस 2 आर इंटू एच, 7 इंटू 10 प्लस 2 आर का स्क्वायर, ये हो गया। पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 22/7, 7 से 7 से 7 से 7 कट गया, 25 और 20 45, 45 और 14 59। 22 × 9 = 198, 22 × 5 = 110, 110 और 19 = 29, 1298 आपका आंसर। अब ये देख लो भी, मैंने कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिखे हैं, मैंने कोई भी स्टेप फालतू नहीं लिखा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत होनी चाहिए जितना मैंने लिखा। इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर लिख दिया, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच लिख दिया, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, पाई सारों में से कॉमन ले लिया, बाकियों की वैल्यू पुट कर दी, 7 कॉमन आकर कैंसिल हो गया, 25 20 और 14 ने 59 बना लिया, इंटू 22 आ गया और 1298। अब मैंने जो कैलकुलेशन करी है आपके हिसाब से बता दो इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगने वाला है। मुझे लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा का मैंने टाइम लिया होगा, अगर 1 मिनट से ज्यादा का लिया भी है मान लो, तो 90 सेकंड से ज्यादा का तो नहीं लिया। यही अप्रोच रखनी है कैलकुलेशन के साथ, कहीं गलती से पहले 25 × 7 175 होता है, 7 × 2 × 10 140 होता है, ये काम मत करने लग जाना यार कि 7 × 7 × 98 होता है, बाद में उसको 22/7 से काटोगे, ये काम नहीं करना। जितना पहले कटता है काट दो, जितना पहले कटता है काट दो, उसके बाद उसको सोल्व करो। चलो जल्दी से इसको यस कर दो सारे बंदे, अगर मेरी बात आपको ये समझ आ गई है तो जल्दी से यस कर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है। रोमन रेंज पूछ रहा है सर वीडियो डिलीट क्यों कर दी। अरे वीडियो डिलीट नहीं करी यार, वीडियो डिलीट नहीं करी, जो अपनी लाइव क्लास होती है ना वो कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम वीडियो प्रोसेसिंग में चली जाती है, वो अपने आप आ जाएगी दोबारा, ठीक है, थोड़े टाइम में, वीडियो डिलीट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर, स्फीयर के अंदर मैंने इस तरीके से एक क्यूब रख दिया, स्फीयर के अंदर एक रख दिया क्यूब, क्यूब के अंदर एक रख दिया सिलेंडर, क्यूब के अंदर एक क्या रख दिया सिलेंडर। जल्दी से मुझे उस सिलेंडर की रेडियस बता दो क्या होगी। अगर आपको स्फीयर की रेडियस आर दे रखी है, ठीक है, स्फीयर की रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखी है, तो मुझे सिलेंडर की रेडियस बता दो क्या होगी। जल्दी से, स्फीयर के अंदर एक क्यूब बनाया गया है और उस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर बनाया गया है,
जल्दी 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 इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ योगेंद्र शर्मा ने कहा टेलीग्राम से क्लिक करो, बिल्कुल ठीक बात है भाई। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके ठीक है क्लिक करना, पीछे वाली वीडियो को हो जाएगी स्टार्ट। इसका आंसर R/4 बताया गया है मनप्रीत की ओर से। हाँ तो अलग अलग वैरायटी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग तरीके के आंसर आ रहे हैं, देखा जाए किस बंदे का आंसर बिल्कुल ठीक है। अंकित नेहरा का आया है R/4√2, निर्मल का आया है √3/2, सिद्धार्थ का आया है R/2√3, शुभम का आया है R/4। क्या बात है, तुम लोगों ने तो आंसर की लिस्ट ही निकाल दी, क्या क्या आएंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो मुझे पता है सर स्फीयर का जो जो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3 × साइड होता है। क्यूब का डायगोनल √3 × साइड, ये √3 × साइड उसके डायमीटर का काम करेगा, मतलब किसका काम करेगा, 2R का काम करेगा। √3 × a जो क्यूब का डायगोनल होगा वो स्फीयर के डायमीटर का काम करेगा। √3 × साइड = 2R, यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2/√3 × r आ गई, 2/√3 × r आ गई। और जितनी आपके पास ये इसकी साइड आ गई उसकी आधी आपकी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, उसकी आधी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका आधा कर दो, बस इसका आधा कर दो, a का आधा कर दो, इसकी रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू जो सिलेंडर की रेडियस है वो R/√3 आएगी। तो जो बंदे फाइनल R/√2 कह रहे हैं ना, अभी मनप्रीत सिंह रंधावा, इस तरीके से नहीं रिकॉर्ड टूटते R/√2 लाने से। इसका आंसर क्या होगा, R/√3 होएगा। क्लियर है सभी को, समझ आ गया, ओके है, R/√3 ये होगा। अरे सर्कल के अंदर स्क्वेयर नहीं है, कहीं सर्कल के अंदर स्क्वेयर बोल रहे हो कि √2a = 2R, और भाई सर्कल के अंदर स्क्वेयर नहीं है, स्फीयर के अंदर क्यूब है, स्फीयर के अंदर क्यूब है, ना कि सर्कल के अंदर स्क्वेयर है। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D, ठीक बात। इस क्वेश्चन का आंसर R/√3 आएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके का पेपर में चलता है, इस तरीके का चलता है, जमीन से कोई बंदा मिट्टी खोदता है, कोई एक कुआं बनाया जाता है, एक वेल बनाया जाता है, जमीन से इस तरीके से मिट्टी खोदी गई, एक कुआं बनाया गया, यहां से जितनी भी मिट्टी निकली है उसको क्या करना है, इसके यहां पर साइडों में जमा दी गई है, इस तरीके से वो इसके साइडों में जमा दी गई है। ठीक है बात,
इस तरीके से किनारों पर जमा दी गई। इसकी आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी ले, रेडियस आप इसकी ले लो कितनी लेंगे, 2 मीटर ले लो, इसकी रेडियस 2 मीटर है। इसकी हाइट आप ले लो 7 मीटर, इसकी हाइट क्या ले लेंगे 7 मीटर। और ये जो मिट्टी आपने इस तरीके से जमाई है इसकी मोटाई आपने दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा, तो चलो 1 मीटर ले ली कोई बात नहीं। तो मुझे इसकी हाइट बताओ कितनी, ये क्वेश्चन है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो अगर आप इसकी मोटाई को 1 मीटर ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ठीक कर लो, इसकी रेडियस को 2 ना लो यार, इसकी रेडियस को थोड़ा ज्यादा लो, नहीं तो वो 1 मीटर मोटाई बुरा मान जाएगी। इसकी रेडियस को आप कितनी लेंगे, 6 मीटर ले लो, कम से कम 6 मीटर तो लेके चलो। अब करो इस क्वेश्चन, हाँ ये सिलेंडर की शेप में, बिल्कुल भाई सिलेंडर की शेप के अंदर ही है ये। करो इस क्वेश्चन, 6 मीटर रेडियस और 7 मीटर, ये भी मीटर में है, 7 भी मीटर के अंदर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत लेना, ये भी आपके पास मीटर। सेवन मीटर, 1 मीटर, सब कुछ आपको मीटर में दे रखा है। इसकी हाइट बतानी है क्या होगी, जल्दी से दो फिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। पॉल ने 5.6 बताया था, जगन्नाथ ने 8 बताया है, अब पॉल ने 2.8 बता दिया। चलो देखते हैं कितना वॉल्यूम निकला, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। ये वॉल्यूम होलो सिलेंडर पे लग गया, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 1, 7 का स्क्वायर इंटू एच, माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में एच। यहां से एच निकालना है, एच की वैल्यू आ रही है 36 इंटू 7, 36 इंटू में आ गया 7, अपॉन 49 माइनस 36, 13, तो ये आपके पास 42 का 4 बचा, 21 4 25 हो गया, अपॉन में 13 आ गया, तो एच की वैल्यू आपके पास 252/13 कितने मीटर आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 252/13, कितना आया, दो बार तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा, 19, 13 हो गया, उसके बाद 122 आ गया, 117.50 लगभग 3.8 की आंसर आ जाएगा, 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 19 पॉइंट कुछ। ये क्या यार, तुम लोगों ने अलग अलग आंसर दे रखे हैं, कोई बंदा 5 पॉइंट कह रहा है, मुझे अपने आप पे शक होने लग गया, क्या मैंने तो नहीं गलत निकाल दिया, पाई इंटू आर का स्केयर इंटू एच, इतनी वॉल्यूम मिट्टी निकली, ये सारी मिट्टी होलो सिलेंडर पे चलेगी, जिसकी बाहर वाली रेडियस हो जाएगी ये 6 है 7 हो जाएगी, पाई इंटू आर का स्केयर एच, माइनस अंदर वाला वॉल्यूम पाई इंटू 6 का स्केयर एच, सही किया मैंने, 36 इंटू 7, 7 6 42 4 बचा, 21 और 4 25 आएगा, 49 में से 36 गया 13, यार बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, 19 पॉइंट कुछ आएगा। और ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये आंसर कहाँ से निकाल के बैठे हो यार, कौन सी दुनिया में थे, 19 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, सभी का आंसर गलत, और पेपर के अंदर नाक मत कटवा देना यार, जिस हिसाब से तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है
मेंसुरेशन के अंदर पेपर के अंदर नाक मत कटवा देना। अंदर वाला सिलेंडर माइनस नहीं करा, ये कह रहा है सही है आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक बात है, बढ़िया है। सिलेंडर की ये बातें हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। हाँ स्फीयर की बात कर रहा है, कहता है एक स्फीयर है और वो स्फीयर कुछ इस तरीके से है। तीन स्फीयर आपको दिए गए हैं, तीन स्फीयर आपको दिए गए हैं, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 8 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का। उन तीनों स्फीयर को पिघला कर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, उसकी रेडियस बताओ क्या होगी। बड़े स्फीयर की रेडियस बताएंगे क्या होगी, बड़े स्फीयर की रेडियस। ऐप पर होते तो अभी कॉल पर लेते सबको, देना बनना बनता था यार। शुभम चौहान कह रहे हैं सर इतना कैसे पता चलेगा कि माइनस भी करना है या प्लस करना है। शुभम पहले मेरे को यह बताओ कि आपने क्लासे लगाई है क्या, मेंसुरेशन की जो मैंने क्लास करवाई थी क्या सारी वो क्लासे करवाई है। अगर वो आपने वो क्लासे लगाई है ना तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होना था भाई कि कब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। सॉरी सर अंदर वाला माइनस नहीं करा, होल की रेडियस 7 लेकर करा। अरे वो माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में जो आप मिट्टी डालोगे वो तो खड्डे के अंदर गिर जाएगी, तो अपने को तो मिट्टी को दीवारों पे लगाना था ना, साइडों में लगाना था। बीच में जो मिट्टी रखोगे वो तो अंदर चली जाएगी, इसलिए बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम का माइनस करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभिषेक ने दिया है 12, अभिषेक रंजन का आंसर 12 आया है। और जितना तुम लोगों ने इसका टाइम लगा दिया ना, फिर वही बात, आपको यह बात करवाई गई थी कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है, क्या आपको यह बात याद आ गई कि 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब मिलकर 6 का क्यूब बनाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि इनका डबल कर दो, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब और 10 का क्यूब मिलकर क्या बनाएंगे, 12 का क्यूब बनाएंगे। 6 का क्यूब हो गया 8 का क्यूब हो गया 10 का क्यूब हो गया, मिलकर 12 का क्यूब बनाएंगे। इसका मतलब 6 साइड 6 रेडियस वाला 8 रेडियस वाला और 10 रेडियस वाला स्फीयर जो होगा वो मिलकर 12 रेडियस वाला स्फीयर बनाएगा। 6 रेडियस वाला 8 रेडियस वाला और 10 रेडियस वाला स्फीयर जो होगा वो मिलकर किसका स्फीयर बनाएगा, 12 का स्फीयर बनाएगा। अमित भारद्वाज कह रहा है सर प्लीज एक बार कौन को ऊपर से काटा गया, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कौन किसका कितना रेशियो है प्लीज बता दो। अमित मुझे पहले ये बताओ कि आपके पास अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है, अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है तो मैं आपको उस वीडियो का पूरा लिंक दे देता हूँ, क्लास के बाद लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देख लेना जिस दिन मैंने वो चैप्टर करवाया था, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि क्या आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन बचा है या खत्म हो गया। 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 12 का क्यूब, बिल्कुल। तो ये जो आपके पास तीनों स्फीयर हैं, ये स्फीयर मिलकर 12 सेंटीमीटर के स्फीयर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे। जल्दी से अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी का तो जल्दी जल्दी से यस कर दें, जल्दी से जल्दी इसको यस कर दें। ठीक बात। नहीं बचा हुआ सर जी, नहीं बचा हुआ, क्या यार ये तो दिक्कत वाली बात है। बंदा कह रहा है कि अगर सर स्फीयर को इस तरीके से काटा है, अगर स्फीयर को सॉरी कोन की बात कर रहा था कि भाई बात सुनो, अगर कोन को ना बीचों बीच से काटोगे, कोन को अगर बीचों बीच से काटोगे, बीचों बीच से काटोगे, बीचों बीच से, ठीक है, तो ऊपर वाले छोटे कोण का वॉल्यूम और पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम, इनका रेशियो मैंने 1:8 बताया, 1:8 बताया था, ऊपर वाले छोटे का और बड़े वाले का अगर बीचों बीच से काटोगे। क्यों? क्योंकि छोटे वाले की हाइट कितनी है,
छोटे वाले की हाइट अगर 1 होगी ना, तो बड़े वाले की हाइट क्या होगी? बड़े वाले की हाइट 2 हो जाएगी। अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:2 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो उसका क्यूब होगा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होगा। ये इसके कारण था, क्योंकि आपने बीचों बीच काटा है तो 1 और पूरे की हाइट 2 हो जाएगी। और अगर इसी कॉइन को आपने, इसी कॉन को आपने यहां से काटा होता, दो जगह से काट देते, दो जगह से इस तरीके से काटते कि ये हाइट आपके पास 1 है और पूरी हाइट आपके पास कितनी है? 3 है। तो छोटे कोण का और इस पूरे कोण के वॉल्यूम का रेशियो 1:27 होता, क्योंकि साइड का रेशियो 1:3 है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:27 हो जाता। एक बात सर, ये इसी टाइप से होगा या कोई और टाइप भी है? ऐसे मेल्ट करके नया शेप बनते हैं। हाँ, मेल्ट करके, अगर भाई पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर मेल्ट करके स्फीयर बना है ना, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³ इक्वल टू इस पूरे का वॉल्यूम 4/3 πr³। 4/3 पाई कॉमन लेकर कैंसिल हो गया सारे से, 4/3 पाई कॉमन लेकर कैंसिल हो गया। पीछे वही बात बच गई जिसके बारे में अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है कि जो ये स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होएगी? 12 होएगी। ठीक बात है, समझ आ गया सभी को? जल्दी से यस कर दें अगर सभी को ये बात समझ आ गई हो कि स्फीयर को मिलाकर आपने इस तरीके से स्फीयर बनाना है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी सिलेंडर की रेडियस को, 20% बढ़ाया जाए, रेडियस को 20% बढ़ा दिया और उस सिलेंडर की हाइट को 50% कम कर दिया जाए, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसके वॉल्यूम में चेंज बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाए गए थे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाए गए। बताओ भी जल्दी से, अगर सिलेंडर की रेडियस को 20% बढ़ाया, हाइट को 50% कम कर दिया, तो जल्दी से बता दो सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज? मनप्रीत कह रहा है सर हाइट राइज वाला कौन सा भी? हाइट राइज वाला कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मुझे बताना थोड़ा सा उसके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ हाइट राइज वाला कौन सा। पॉल का कहना है सर 70% डिक्रीज होगा इसका आंसर। अंकित कह रहा है 40% डिक्रीज। अंकित पग्गा कह रहा है 40% डिक्रीज, और अमित की ओर से बोलना है कि सर 44%। प्रियंका की ओर से 60 है, सुमेश की ओर से 20, 28% की कमी है, परितोष की ओर से 20% इंक्रीज है। तो जितने तुम लोगों ने क्वेश्चन की वैरायटी में आंसर दे दिया है ना भाई, हाल मुझे चिंताजनक लग रहे हैं। जितने तुम लोगों ने वैरायटी में आंसर दिया, बड़ी नहीं बात। चलो, तो टोटल वॉल्यूम मैं 100 मानूंगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार काम आता है, तो रेडियस को 2 बार बढ़ाएंगे, 120/100, 120/100। हाइट को 50% कम करना है, 50/100, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 6 5 6 5, 1 2 5 × 2 10, 5 से इसको काटा 2 बार, 32 × 2 72। मतलब जो वॉल्यूम पहले 100 था ना,
वॉल्यूम जो पहले आपके पास 100 था, वो वॉल्यूम अब कम होकर 100 से कितना आ गया, 72 हो गया। वॉल्यूम 100 से 72 हो, तो वॉल्यूम में कितने की कमी आ गई? वॉल्यूम में सर 28% की क्या आ गई, कमी आ गई। वॉल्यूम के अंदर 28% वॉल्यूम आपका कम हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, 28% वॉल्यूम कम होएगा। ठीक है, तो ये हमने 2D मेंसुरेशन के, 3D मेंसुरेशन के और फिलहाल ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए हैं। तो ज्योमेट्री, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन, हमने ये तीन टॉपिक फिलहाल कर लिए हैं। तो मुझे अब टाइम के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने टाइम का आपको ब्रेक चाहिए, कितने टाइम का ब्रेक चाहिए। क्लास अब 8 बजे स्टार्ट करे, 8 तो सॉरी बज गए हैं, क्लास को 8:30 स्टार्ट किया जाए या 9 बजे, जल्दी से मुझे बताएं। आधे घंटे का ब्रेक चाहिए डिनर के लिए या 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, जल्दी जल्दी से मुझे बता दें, उस हिसाब से अपने अगला सेशन रखेंगे जिसके अंदर अपने ट्रिग्नों की बात करनी है और स्टैटिक्स करना है, ट्रिग्नों और स्टैटिक्स करना है, जल्दी से बता दें 8:30 या 9, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से जवाब दें। यहां पर कई बंदे 1 घंटा कह रहे हैं, 10 मिनट कह रहे हैं, 30 मिनट, 1 घंटा, चलो डिनर का टाइम है तो 1 घंटे का ब्रेक चलो अपने ले लेते हैं। 9 बजे दोबारा मिलते हैं, सारे बंदे रेडी रहेंगे, 9 बजे दोबारा मिलेंगे, ठीक है, 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद भाई, 9 बजे सारे जने रेडी रहेंगे।